पहाड़ों में हुई हिमपात के बाद बर्फीली हवाओं की वजह से उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड। भारी सर्दी और कोहरे के कहर से प्रदेश में 28 लोगों की हुई मौत। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी डीजीपी ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ जारी किया नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर आज पहुंचेंगे लखनऊ। प्रधानमंत्री लोक भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पूर्व आईसीएस अधिकारी तुलसी गौड के खिलाफ भ्रष्टाचार का चलेगा केस, योगी सरकार ने दी अनुमति। सदी के सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को होगा। सूर्य ग्रहण होने पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के पट खुलने और आरतियों की सेवा में किया गया बदलाव। मंदिर प्रशासक के आदेश पर सूर्य ग्रहण होने से आज बुधवार शाम से ही बांके बिहारी के पट निर्धारित समय से पहले हो जाएंगे बंद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तथा राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर सब एक ही हैं। हम भारतीय इसके विरुद्ध।